नमस्कार दर्शकों, मैं निकिता डोबरियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव के लिए अपने बहुत ही अच्छे से अपनी प्रचार कर रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वो पदयात्रा कर रहे हैं, कभी वो सम्मेलन कर रहे हैं, महासम्मेलन कर रहे हैं। तो ऐसे में सपा के कुछ कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को लेकर यानी कि अपनी ही पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। प्रदेश के एक अच्छे ईमानदार नेता और उन्होंने समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाई मिल रही है। अखिलेश जी ही ऐसे हैं जो देश की उन्नति में सहभागी हो सकते हैं। अखिलेश जी आगामी आगे वाले विगत दिनों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम निकलना चाहते हैं और निश्चित ही अखिलेश जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी एक स्वच्छ सभी के ईमानदार नेता है, नरेंद्र मोदी दुमलेबाज नेता है, अखिलेश जी पे और नरेंद्र मोदी भी जमीन आसमान करता है। अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी है, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, योगी जी झूठ बोलते हैं, कहीं जमीन में कोई विकास नहीं है। अखिलेश यादव का विकास वही 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 विकास में पत्थर लगा। एकदम झूठ बकवास है। अभी भी जो बिल आया है, बिल तो कागज पर दिखाया जा रहा है कि कम आ रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर वसूली की जा रही है। जबरदस्त उछाल बिलों में आ रहा है और लग रहा है कि प्रदेश को ठगा जा रहा है, प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है और विकास के नाम पर देश को छला जा रहा है। नौजवान परेशान है। ये प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बोले 15 लाख रुपए मैं अकाउंट में, अब 1500 नहीं दिए बल्कि जो अकाउंट में था बल्कि निकलवा लिए है। ये बाबा जी की और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इनका खाली बस कागज जनाधार पे कुछ नहीं है। मेट्रो अखिलेश यादव ने बनवाया है और जितने विकास कार्य हुआ है समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी खाली झूठ के, ये खाली नफरत पैदा करने वाली पार्टी है। और ये 2024 के मिशन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सीट चुनाव जीत। ये जो भी आपने चीज बोली डबल इंजन वाली, समाजवादी पार्टी जो है डबल इंजन का शब्द है, जो टर्म है उसका बहुत ही ज्यादा यूज करती है, एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। मैं राजेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, माननीय नेताजी जब एम पी थे, बहुत गांव जो लिए थे, मैं प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से जीता था उस समय, और मैं पूर्व जिला सचिव वाचक राजेश यादव निवर्तमान। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज देश को कहाँ मोदी जी योगी जी ले जाना चाहते हैं। आज महंगाई है, भुखमरी है, अत्याचार है, लाचारी है, बेबसी है, खुदकशी कर रहे हैं हमारे नौजवान, बेरोजगार जो है इलाहाबाद में 400 गुना अभी यूनिवर्सिटी की फीस को बढ़ा दिए। गरीब का बेटा किसी भी जात का हो, कोई कुहार मुशार भरपासी डोक धरका नोनिया नरचमा ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार यादव मुसलमान सिख ईसाई पासी बनिया दुनिया दर्जी लोहार सुनार बड़े किसी भी जात का हो, यहाँ हिंदू मुसलमान कहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान कहने से काम नहीं चलेगा। आप विकास नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो इतना 70 साल से देश कैसे चल रहा था, चाहे एयरपोर्ट रहे, चाहे यहाँ की रेलवे रही है, चाहे यहाँ के चाहे बस अड्डे रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं रही हैं, सड़कें बनाने का काम इसके पहले की सरकारों ने भी किया है। आज गड्ढे भरे सड़कें हैं, ये कहते हैं विकास कर रहे हैं, कहाँ सड़कें इनकी अच्छी हैं, कहाँ पे ये बेरोजगारी दूर कर पा रहे हैं, कहाँ से ये महंगाई दूर कर पा रहे हैं। आप सरसों का तेल 200 रुपया लीटर जा रहा है, आपका अरहर की दाल, चावल, गेहूँ,
सब महंगा हो गया। आप अगर किसान का खरीदना है, आप आलू का दाम नहीं दे पा रहे हो, आप खेती से जो पैदा किसान करता है उसका पूरा दाम नहीं दे पा रहे हो। अभी मध्य प्रदेश में लहसुन 1 रुपया किलो लोग खरीद रहे थे, किसानों का किसानों ने नदियों में फेंक दिया। किसान इस देश की रीढ़ है। माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं इस देश में नौजवान और किसान और व्यापारी, अगर जब तक तीनों खुशहाल नहीं है ये देश चलने वाला कोई देश हो। माननीय नेताजी, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं और उनके बेटे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनके बेटे लायक लड़के हैं उनके, जो एक इतिहास बनाए। उनका एक बड़ा इतिहास रहा जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, चाहे पुलिस की भर्ती हो रही हो, चाहे और भी भर्तियाँ रही हो, तो हमारे नौजवान सड़कों पर इस तरह लाठी नहीं खाते थे। आज अगर नौकरी नौजवान मांग रहा है उसे लाठी ये सरकार दे रही है, कहीं गोली दे रही है। ये नौजवान हमारे देश का भविष्य है, ये कहाँ जाएगा? आपसे नौकरी तो ही मांग रहा है, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो, उनको लाठी दे रहे हो, गोली चला रहे हो, कहीं पानी चलवा दे रहे हो, फुहारे मरवा रहे हो। यहाँ की ये हमारी बच्चियाँ हैं पढ़ लिख करके, हमारे जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे, कहाँ बेरोजगारी आप कर पा रहे हो? तो इसलिए देश खतरे में है, आज देश खतरे में है, खतरा ही लोगों से है। इसलिए खतरा है कि आप तो बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो, आप महंगाई दूर नहीं कर पा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप जो हमारी पहले की संपत्तियां हैं बाप दादाओं की बनाई हुई और पहले की सरकारों ने बनाया है उसको बेचने का काम कर रहे हो, आप क्या बना रहे हो? अभी भाई साहब ने बताया कि मेट्रो माननीय अखिलेश जी ने बनाया, आप कहते हो कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, कहाँ बुलेट ट्रेन? गंगा मैया की सफाई कहते हो, गंगा मैया चाहे कोई नदियां हो, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे और कोई महानदियां हो, कोई नदी की सफाई नहीं हुई। आज गौ माता कहाँ है? आज सारे लोग घूम रहे हैं, आज लाचार है किसान का, पूरा खेती बर्बाद होती है, गाय तड़प तड़प के मर रही है, सड़कों पे चलना दुश्वार। हम लोग आजमगढ़ से अगर लखनऊ आते हैं तो ये डर लगता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा घटिया बनाए उसमें सांड घूमते हैं, उस पे गाय घूमती है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो इसलिए इनको व्यवस्था देनी चाहिए, ऐसी सड़कों पे इनको इतनी ऊंचाइयां देनी चाहिए कि जिसपे सांड गाय न चढ़ पाए, कुत्ते न चढ़ पाए, उसपे कुत्ते लड़ जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था ये दे नहीं पा रहे हैं, झूठ बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप ये कहे हम 15-15 लाख खाते में देंगे, एक पैसा नहीं दिया, आप भी झूठ गया। सपा के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी से बहुत ही ज्यादा खफा है कि बीजेपी जो है वो अपने वादे पूरे नहीं करती है, जो जो वो जैसे कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।